इनमें से कौन सा वायु संगीत वाद्य यंत्र नहीं है? तो खोल। कौन सा विकल्प तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है? दमन और दीव। दमन अंडमान निकोबार का राजधानी पोर्ट ब्लेयर। भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा में। चंद्रयान को डैश का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया था? पीएसएलवी C-11। महात्मा गांधी डैश में चंपारण में आए थे 1917 में। डैश सहायक बैंकों के भारतीय स्टेट बैंक में विलय के लिए भारतीय संसद ने स्टेट बैंक निरसन एवं संशोधन विधेयक 2017 में पारित किया था। छह सहायक बैंकों के भारतीय स्टेट बैंक में विलय के लिए भारतीय संसद ने स्टेट बैंक निरसन एवं संशोधन विधेयक 2017 में पारित किया था। एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज कॉमनली नोन एज चिप। और इंटीग्रेटेड सर्किट को हम ऐसे IC बोलते हैं। चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। IBRD और IDA के अंग डैश के अंग हैं तो विश्व बैंक है। भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान डैश में किए गए तीसरी अनुसूची में। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? मणिपुर। अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? गुरु शिखर। 1855 से 56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने। सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार 31 मार्च 2019 तक भारत में कितने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE कार्यरत थे? 249। मस्कोवाइट और पेग्माटाइट और बायोटाइट इनमें से किसके अयक हैं? अभ्रक के। जयपुर में हवा महल का निर्माण डैश से प्रेरित था? झुंझुनू के खेतड़ी महल से। 2019 में 5 साल के कार्यकाल के लिए इनमें से किसे विश्व बैंक का अध्यक्ष चुना गया है? डेविड मालपास को। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ग्रीन महानदी मिशन के माध्यम से पौधारोपण अभियान शुरू किया है? तो उड़ीसा। मई 1998 में पोखरण में भारत द्वारा कितने नियंत्रण नाभिकीय विस्फोटक किए गए? तो 5। भारत के सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मैनग्रोव। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। विशेष परिस्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 108 में। विच सिस्टम हैज़ बीन अडॉप्टेड बाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर नोट इशू? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। विश्व की सबसे बड़ी सैल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? कोरल सागर में। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? लेबर पार्टी। दो हज़ार 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित साई खोम मीराबाई चानू एक भारोत्तोलक है। जिंक सल्फेट हाइपोहाइड्रेट ZnSO4.7H2O को आमतौर पर डैश के नाम से जाना जाता है? तो वाइट विट्रोल। श्वेत तूतिया। वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है कहलाता है अवतल लेंस। निम्नलिखित में से किस टीम ने मार्च 2020 में 86वां रणजी ट्रॉफी खिताब जीता था? सौराष्ट्र। जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? कलकत्ता में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अग्रणी केंद्रों में से एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। विश्व बैंक का मुख्यालय डैश में स्थित है? वाशिंगटन DC में।
वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बिहार में। अफ्रीका में स्थित किलीमंजारो डैश का नाम है ज्वालामुखी पर्वत का। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास के सहस्त्र फण के नाम से हिंदी में अनुवादित किया था? पीवी नरसिम्हा राव ने। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का विस्तार क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है? तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका मतलब कि कोल इंडिया लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन, ये महारत्न कंपनियाँ हैं। इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजक में निर्मित नहीं हुआ है? तो नीला। 1024 मेगाबाइट 1 GB यानी कि गीगाबाइट के बराबर होता है। भारत में इनमें से कौन सा संगठन RTI अधिनियम से बाहर नहीं रखा गया है? तो कम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बाहर नहीं रखा गया है, एविएशन रिसर्च सेंटर RTI के अंदर नहीं आता है, रॉ RTI के अंदर नहीं आता है और इंटेलिजेंस ब्यूरो RTI के अंदर नहीं आता है। कौन सा विकल्प तीसरे शब्द के उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार शब्द पहले से संबंधित है? सऊदी अरब राजतंत्र है तो भारत में लोकतंत्र है। 1969 में सरकार ने कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नीति आयोग इज इनकरेक्ट? इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1 जनवरी 2016। नहीं, ये 1 जनवरी 2015 में स्थापित हुआ था। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सही है। इट वर्क्स एज अ प्राइमरी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नीति आयोग का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। शुद्ध कार्बन को डैश पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है, अत्यधिक ऊंच दाब और ऊंच तापमान पे। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ था? तो 1960 में। उन्नत भारत अभियान किससे संबंधित है? उच्च शिक्षण संस्थान की मदद से ग्रामीण भारत का विकास करना। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? 1923 में। 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कना और आपके कपड़ों में से चिंगारी निकलना वास्तव में एक परिघटना है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? USB। जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% इसके डैश क्षेत्र पर निर्भर करता है, रूपे। संक्षिप्त शब्द सोनार का संपूर्ण रूप क्या है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। 1915 में महात्मा गांधी डैश से अस्थायी रूप से भारत लौटे थे, तो दक्षिण अफ्रीका से। 1916 में लखनऊ समझौते ने नरमपंथी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादी और डैश के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था, मुस्लिम लीग। 1916 के लखनऊ समझौते ने नरमपंथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादी और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था। केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में। ऐसी वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता के की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि उन अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लाया जाता है, उसे पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म किसान कन्या थी। खगोलीय भौतिकी विज्ञानी डैश ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए जिनके नाम पर नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा है। इन्होंने 1958 में सर्वप्रथम सौर्य पवन के अस्तित्व को सैद्धांतिक रूप दिया था, तो यूजिन पार्कर। टोक्यो 2021 ओलंपिक मशाल रिले की जापान शाखा का शुभारंभ मार्च 2021 में जापान के डैश शहर में से होना अनुसूचित किया गया है, तो फुकी सीमा।
भारत में हरित क्रांति का सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय एम एस स्वामीनाथन को जाता है। धन्यवाद।